विभाग की लापरवाही की वजह से किसानों की हजारों बीघे फसल जलमग्न हो गई। मामला अहिरोरी विकास खंड के वाजिदपुर गांव का है, जहां शारदा नहर की ब्रांच नहर कटने से हजारों बीघे भूमि जलमग्न हो गई। यही नहीं, पानी गांव के अंदर तक मकानों में पहुंच गया। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सूचना मिलने के बाद भी नहर विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों ने डीएम से गुहार लगाई है। पानी से इतना सारी नहर कट चुकी है कि वहाँ पे लगभग 1200 बीघे फसल डूब चुकी है। किसानों के रहने के लिए इधर उधर बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं और घरों में पानी भरा हुआ है, जिससे कि बहुत की समस्या हो रही है। किसान अपने रिश्तेदारों के यहाँ सामान रखने के लिए इधर उधर जा रहे हैं और हम लोग यहाँ पे हरदोई में जिलाधिकारी के यहाँ एप्लीकेशन लेके यहाँ पे आए हुए हैं। कितनी फसल डूबी है? लगभग सर 1500 बीघे फसल डूब चुकी है, सब पूरा पानी पानी है और एप्लीकेशन सिंचाई विभाग के दे चुके हैं, ना ही कोई सुनवाई हो रही है, इसलिए हम जिलाधिकारी के यहाँ एप्लीकेशन देने के लिए आए हैं। हालांकि दूसरी ओर जब इस बारे में एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले में जांच के बाद किसानों की मदद की जाएगी। वाजिदपुर माइनर तिराहा किसी कारण से कट गया था और उसको तत्काल एक्सीएन श्री शर्मा जी को भेज करके और उनके जेई कंसर्न को भेज करके वहां पे निस्तारण करा दिया गया है और नहर को बदवाने की कार्रवाई चल रही है। कितनी जमीन डूबी है, कितने घर डूबे हैं? अब इसका तो मौके पर जांच होने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल अधिकारी मामले में जांच के बाद मदद का आश्वासन दे रहे हैं तो दूसरी ओर किसान परेशान हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन किसानों की क्या मदद करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदोई से आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट।